Hello everyone and welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja, hope you all doing well. If you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so you get notification every time when I upload any new video. So आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि सिग्नेचर आईलाइनर लुक कैसे क्रिएट करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी आईलाइनर लगाया है और इस आईलाइनर लुक को सिग्नेचर आईलाइनर लुक बोलते हैं. तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें. इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लास्ट में मैंने एक बोनस टिप भी दी है और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें दो तीन बोनस टिप्स भी मैंने दी हैं जिसे बहुत अच्छा आप लुक क्रिएट कर सकते हैं. तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कोई भी आईलाइनर लगाने से पहले आपको लगानी है क्रीम. मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम लगा रही हूँ. आपके पास जो भी क्रीम अवेलेबल हो, जो भी बीबी क्रीम वगैरह कुछ भी अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हैं. अगर आपके पास कुछ भी कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है या आप कोई भी क्रीम यूज़ नहीं करती हैं तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकती हैं. कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइज़र हमारी आईलिड को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट करता है, एक अच्छी फिनिश देता है ताकि हम जो भी अप्लाई करें, जो भी आईलाइनर अपने आईलिड पे अप्लाई करें वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग बन जाए. और इसके बाद हमें लगाना है एक कोई भी पाउडर. मैं ये फेस पाउडर लगा रही हूँ. अगर आपके पास कोई भी पाउडर अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी पाउडर यूज़ नहीं करती हैं तो आप नॉर्मल टैल्कम पाउडर भी लगा सकती हैं. इससे हमारा काजल बिल्कुल भी या आईलाइनर को बिल्कुल भी फैलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा अच्छी देर तक स्टे करेगा और बहुत ही अच्छी फिनिश पे हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छी फिनिश देगा. तो मैं ये आईलाइनर यूज़ करूँगी. ये मेरा मेबेलिन का कोलोसल आईलाइनर है. ये एकदम पेन के जैसा है जिससे बहुत अच्छे से आप विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर सकती हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है. तो सबसे पहले मैं आईलाइनर लगाने के लिए एक लाइन खींचूंगी और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने आईलिड पे ये आईलाइनर अप्लाई करूंगी. सबसे पहले हमें एक अच्छा सा विंग बनाना है. अगर आप विंग लगाना नहीं पसंद करते तो आप विंग के बिना भी अच्छे से आईलाइनर लगा सकते हैं. बट जो कि मैं सिग्नेचर आईलाइनर लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से लगाऊंगी. पहले आपको धीरे धीरे अपने अंदर की आईलिड्स को कवर करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाना है. आप देख सकते हैं मैं कैसे अप्लाई कर. अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये मेबेलिन का कोलोसल लाइनर परफेक्ट चॉइस है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से आपको एक अच्छा आईलाइनर क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, जो कि ये पेंसिल की तरीके का है. अगर आपके हाथ कांपने लगते हैं आईलाइनर लगाते वक्त तो आप अपना हाथ अपनी चीक्स पे रख सकते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से इस आईलाइनर को लगाना है. और जो भी आपके अंदर आईलिड्स के अंदर अगर कोई भी जगह बाकी है तो आपको आईलाइनर बिल्कुल अपनी एकदम आईलिड के अंदर भी लगाना है. अगर आपको लगता है कि बहुत अंदर तक अच्छे से नहीं लग पाया है तो आप लास्ट में काजल भी अपनी आईलिड्स पे अप्लाई कर सकते हैं. और आपको बिल्कुल हल्के हाथों से अपने विंग को अच्छे से फिनिश देनी है और उसके बाद अपने पूरे आईलाइनर को एक साथ मिक्स कर देना है. और मैं काजल के लिए अप्लाई करूंगी कलर बार का काजल. ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही सॉफ्ट लुक देता है. ये काजल बहुत ही क्रीमी टाइप का है तो अगर आपके आईलिड के जो नीचे वाले हेयर हैं या फिर जो आपकी लैशेज हैं, नीचे वाली लैशेज, उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि नीचे वाली लैशेज की वजह से हमारे काजल अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता है. ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और आपके पूरे अच्छे से आईलिड पे बहुत अच्छे से आपकी वाटर लाइन में भी लग जाएगा. मगर मैं वाटर लाइन में अपने काजल बहुत अप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि मेरी आँखें थोड़ी सी छोटी हैं. तो मैं वाटर लाइन में अगर अप्लाई करती हूँ तो मुझे और भी मेरी आँखें छोटी लगने लगती हैं, इसलिए मैं वाटर लाइन से थोड़ा सा नीचे अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी. आप इसको ईद में भी, ईद आने वाली है, आप इस सिग्नेचर आई लुक को क्रिएट कर सकते हैं. और एक अच्छा सा सिग्नेचर आई लुक के लिए आप देख सकते हैं कि मैं हल्का सा इस अपने इनर कॉर्नर में भी इसको अप्लाई करूँगी और कुछ इस तरीके से आपको क्रिएट करना है. बिल्कुल आपको एकदम अच्छी फिनिश में आईलाइनर अपना दिखेगा. तो अब मैं आईलाइनर लगाने के बाद मस्कारा यूज़ करूँगी. मैं ये मेबेलिन का कोलोसल मस्कारा, वॉल्यूमिनस मस्कारा यूज़ करूँगी. ये मेरी आँखों को बहुत अच्छी वॉल्यूम देगा.
जो कि मैंने पहले आईलाइनर लगाने से पहले ही फेस पाउडर लगा लिया था, तो मैंने अपने आईलेट्स पे भी थोड़ा सा इसको पाउडर को लगाया था ताकि ये अच्छे से मेरे आईलैशेस को अच्छे से वॉल्यूम दे। तो अब मैं अपने इनर आईलेट में भी इसको अप्लाई करूँगी काजल को, ताकि अगर मेरे इनर आईलेट्स में अगर अच्छे से हमारा आईलाइनर नहीं लगा है तो लग जाए। अगर आपका आईलाइनर बहुत फैल जाता है या आपकी हुडेड आई है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से अब मेरा आईलाइनर लग चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।